नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं खास खबर की ओर। आप सभी को बता दूं कि कुछ समय पहले बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा को रिश्वत के एवज में गिरफ्तार किया गया था और वह अभी न्यायिक हिरासत में भी हैं। लेकिन आप सभी को एक बात और बता दूं कि घूसखोर बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा की शादी 16 फरवरी की है और इसी के चलते हुए उन्होंने जमानत की बात कही, लेकिन कानून सबके लिए एक समान है और कानून ने उनको जमानत देने से साफ साफ मना कर दिया है। इसी के चलते हुए अब आखिर ये असमंजस में बना हुआ है कि क्या पिंकी मीणा की शादी हो पाएगी या फिर नहीं। आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। रिश्वत के मामले में गिरफ्तार बांदीकुई एसडीएम पिंकी मीणा की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी है। एसीबी ने उसे हाईवे निर्माण कंपनी से रिश्वत मांगने के आरोप में 13 को गिरफ्तार किया था और वहीं न्यायिक हिरासत में अभी भी उन्हें रख रखा है। एसीबी ने मामलों की विशेष अदालत क्रम 2 ने आदेश में कहा कि आरोपी पर रिश्वत का गंभीर आरोप है, जमानत का लाभ उन्हें नहीं दिया जा सकता। पिंकी मीणा ने प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसे फंसाया जा रहा है, उसने कभी भी रिश्वत की मांग नहीं की थी और एसीबी ने उससे कुछ भी बरामद नहीं किया। उसकी 16 फरवरी को शादी भी होने वाली थी, उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, जिसका विरोध करते हुए सरकार की ओर से कहा गया कि आरोपी ने 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने सत्यापन के बाद गिरफ्तार किया, यदि उसे जमानत दी गई तो वह केस को प्रभावित कर सकती है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और गुरुवार को कोर्ट ने जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज भी कर दिया है। दौसा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर किसान आक्रोश रैली के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह क्षेत्र में आशा सहगिनिया पहुंची है किसान रैली में। वहीं आशा सहगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा को सौंपा है ज्ञापन। आप सभी को बता दूं, आशा सहगिनियों ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा क्षेत्र की आशा सहगिनियों को पहचानने से कर रहे हैं इनकार, तो दूसरी ओर महिला विकास मंत्री आशाओं को फ्री में दे रहे हैं वेतन। वहीं आशाओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के ज्ञापन में लगाए हैं आरोप। साथ ही साथ आशा सहगिनियां अपनी मांगों को लेकर के 4 माह से जयपुर में कर रही हैं धरना प्रदर्शन। आशा सहगिनियां अपना अधिकार मांगने पर कांग्रेस खिला रही है आशाओं को जेल की हवा, तो वहीं आशा सहगिनियों ने सरकार पर भी आरोप लगाए और ज्ञापन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा से आशाओं ने मदद की गुहार लगाई है। आशाओं को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा ने आश्वासन भी दिया, तो दूसरी ओर आशा सहगिनियों की मांग को लेकर सरकार से करेंगे डॉक्टर किरोरी लाल मीणा आर पार की लड़ाई। मैं आशा सहयोगियों को वादे किए थे, कांग्रेस ने तो बहुत वादे किए, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, न तो रोजगार मिला न किसानों का कर्जा माफ हुआ। ऐसे ही आशा सहयोगियों को आश्वासन दिया था, अब मैं उनके साथ निकट भविष्य में सड़क पर घूमा और चाहे लाठी चलाए सरकार, चाहे गोली चलाए, चाहे जेल में डाले। और उन्होंने मेरे को कहा था 20,000 आएंगी, मान कर तुम 10,000 आ जाओ, तुम्हारा काम करने की जिम्मेदारी मेरी है और ये करेंगे मुख्यमंत्री जी, इसलिए आप अपने नेताओं से बात कर लो, तारीख तय कर लो, मेरे को बता दो, उस दिन आप भी जयपुर पहुंच जाओ और मैं भी जयपुर, ठीक है, तुम्हारा काम करेंगे, बेटी चिंता मत करो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ और आप देख रहे हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। तो आप सभी को बता दूं कि आज अखबार की सुर्खियों के अंदर जहां पर देश को कोरोना वैक्सीन देने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के अंदर आग लग गई है, वहीं आप सभी को बता दूं कि देश को पहली बार कोरोना वैक्सीन इसी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन जिस प्लांट के अंदर आग लगी है वह प्लांट
के अंदर कोरोना वैक्सीन नहीं बनाई जा रही थी, लेकिन फिर भी 5 लोगों की मौत इसके अंदर हो चुकी है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि इसके अंदर कई लोग घायल होते हुए भी नजर आए हैं। वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि देश के अंदर तीसरी और राजस्थान के अंदर पहली आयकर विभाग की छापेमारी इतनी बड़ी देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए की अघोषित आय को उजागर किया गया है। यह बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि 1400 करोड़ आयकर विभाग के द्वारा बहुत ही बड़ी रकम सामने आई है। वहीं अगर हम एक और बात करें तो कोरोना वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन राजस्थान के अंदर कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोग आखिर कहाँ हैं? क्योंकि कोरोना वैक्सीन तो आ गई, लेकिन कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोग आखिर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि इसकी दर अगर देखें तो शुरू के मुकाबले में अब बहुत कम रह गई है। जिन व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जानी थी, उन व्यक्तियों की दर अब मात्र 54% तक ही रह गई है। एक और बात आप सभी को बता दूं कि दौसा के अंदर पुलिस के दस्ते के ऊपर पथराव भी किया गया है। चारागाह भूमि में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस दल वहां पर गया हुआ था और पुलिस दल के ऊपर पथराव भी किए गए हैं, तो वहीं ग्रामीणों के द्वारा उनके साथ में मारपीट भी की गई है। एक और बात आप सभी को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत, जिनका कल जन्मदिन था और उनका सुसाइड के अंदर मौत भी हो गई थी, वहीं आप सभी को बता दूं कि दिल्ली के अंदर उनके नाम से एक सड़क का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि उनके फैंस और गांव वालों ने इसकी अपील करी थी और इस अपील को मानते हुए इसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन वो कब किया जाएगा या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो अखबार की सुर्खियों के अंदर बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार। दौसा जिले से एक और बड़ी खबर सामने आई है। उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा पर किसान आक्रोश रैली के दौरान उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह क्षेत्र में आशा सहगिनिया पहुंची है किसान रैली में। वहीं आशा सहगिनियों ने अपनी मांगों को लेकर के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा को सौंपा है ज्ञापन। आप सभी को बता दूं, आशा सहगिनियों ने कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप भी लगाए। वहीं उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा क्षेत्र की आशा सहगिनियों को पहचानने से कर रहे हैं इनकार, तो दूसरी ओर महिला विकास मंत्री आशाओं को फ्री में दे रहे हैं वेतन। वहीं आशाओं ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा के ज्ञापन में लगाए हैं आरोप। साथ ही साथ आशा सहगिनियां अपनी मांगों को लेकर के 4 माह से जयपुर में कर रही हैं धरना प्रदर्शन। आशा सहगिनियां अपना अधिकार मांगने पर कांग्रेस खिला रही है आशाओं को जेल की हवा, तो वहीं आशा सहगिनियों ने सरकार पर भी आरोप लगाए और ज्ञापन में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा से आशाओं ने मदद की गुहार लगाई है। आशाओं को राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोरी लाल मीणा ने आश्वासन भी दिया, तो दूसरी ओर आशा सहगिनियों की मांग को लेकर सरकार से करेंगे डॉक्टर किरोरी लाल मीणा आर पार की लड़ाई। बिजली की लूट से किसान त्रस्त है, रसद सामग्री नहीं मिल रही, पुलिस में न्याय नहीं मिल रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, सारे तंत्र पूरी तरह से सड़ चुके हैं और जनता बड़ी परेशान है, संकट में है, त्रस्त है, दुख में है और जनता में बहुत ज़बरदस्त आक्रोश। इस दृष्टि से प्रारंभिक तौर पर हमने आज ये जनसुनवाई रखी है, हम बुजुर्गों का समय और देंगे और उन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम एक स्थायी रूप से धरना देंगे। जिन जनों ने भ्रष्टाचार फैलाया उनके खिलाफ कार्रवाई, जिन जनों ने किसानों को तंग किया उनके खिलाफ कार्रवाई। आपने देख लिया ट्रांसफार्मर नहीं मिले, आपने देख लिया ट्रांसफार्मर में ऑयल नहीं करते, आपने देख लिया केबल नहीं दे रहे, आपने देख लिया समय पर ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, आपने देख लिया कनेक्शन नहीं दे रहे और इस ढंग से लूट मच रही है, इस लूट को बर्दाश्त नहीं किया। वहीं आप सभी को बता दूं कि बड़े लंबे समय के बाद में राजसमंद के आमेट के अंदर कोरोना वैक्सीन एक बार फिर से पहुंच चुकी है, तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। लंबे समय के बाद में कोरोना काल और दो बार कोरोना ब्लास्ट के बाद
आखिर राजसमंद के आमेड सीएससी में कोरोना की वैक्सीन आज पहुंच चुकी है। इस मौके पर आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा और पीएमओ डॉक्टर सीपी सूर्या के ऑब्जर्वेशन में अस्पताल के 135 मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई। आज वैक्सीन पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मेडिकल स्टाफ अस्पताल पहुंचे, जहां विधिवत वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य विभाग से पहुंचे आरसीएचओ डॉक्टर सुरेश मीणा ने पहले पूरे अस्पताल की व्यवस्थाएं देखी और उसके बाद वैक्सीन लगाने के लिए किए गए इंतज़ाम का जायज़ा लिया है। पूरी तसल्ली और आवश्यक दिशा निर्देशों के बीच वैक्सीन लगाने का काम भी शुरू किया गया। पीएमओ डॉक्टर सूर्या ने बताया कि वैक्सीन लगाने के पहले दौर में चिकित्सकों और मेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई गई। जिन लोगों पर परीक्षण किया गया वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आया। इसके बाद राज्य सरकार के निर्देशानुसार दूसरी खेप को भी शुरू किया जाएगा। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। लालसोट विधानसभा क्षेत्र के उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के गृह क्षेत्र में ग्राम पंचायतों में तालाबंदी हुई है। लालसोट सरपंच संघ अध्यक्ष हेमराज मीणा, रामगढ़ पचवारा सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल राहुवास के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों में तालाबंदी हुई। वहीं लालसोट व रामगढ़ पचवारा के सरपंचों ने सांकेतिक विरोध का किया है प्रदर्शन और ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकार वित्त निगम को देने एवं पीडी खाता खुलवाने के आदेश के विरोध में सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के तालाबंदी की। तो वहीं ग्राम पंचायत सरपंच ने ग्राम सभा का बहिष्कार भी किया। पंचायत समिति लालसोट की 37 ग्राम पंचायत, रामगढ़ पचवारा की 25 ग्राम पंचायतों में सरपंच का आक्रोश भी टूटता हुआ नजर आया। दूसरी ओर पंचायत समिति लालसोट और नवसृजित पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा की ग्राम पंचायतों में सरपंचों ने तालाबंदी की। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर बिना लाइसेंस के डीजे चलाना महंगा पड़ गया। साथ ही कॉपीराइट अधिकारी की शिकायत पर डीजे संचालक को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के बांदीकुई के अंदर बिना लाइसेंस के डीजे चलाना महंगा पड़ा है। कॉपीराइट अधिकारी की शिकायत पर डीजे संचालक को गिरफ्तार किया गया। विब्री कॉपीराइट जांच अधिकारी की शिकायत पर डीजे संचालक गिरफ्तार हुआ है। तो वहीं कॉपीराइट उल्लंघन का यह पूरा मामला है। डीजे संचालक को जेल की हवा अब खानी पड़ेगी और आगे भी यह कार्यवाही जारी रहेगी। साथ ही साथ डीजे संचालक के लिए विब्रे कॉपीराइट का लाइसेंस होना जरूरी है। इसी के चलते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। क्या मामला है सर? ये पायरेसी एक्ट का मामला है, जिसे अपन सीधे तौर पे हम कॉपीराइट एक्ट कह सकते हैं। तो काफ़ी समय से हमें जो है लोग बिना कॉपीराइट लाइसेंस के डीजे संचालक जो है कॉपीराइट का वॉलेशन कर रहे थे। तो उनको बार बार हमने जो हमारी जो सर्वे टीम है, लाइजनिंग टीम है, उनको बार बार हमने कहा कि भाई आप जो लीगल लाइसेंस लेके आप डीजे चलाएं। बट उन्होंने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया और करीब एक साल से हमें रेगुलर सूचना मिल रही थी। उसको उनको बार बार नोटिस भी दिया गया, फिजिकली भी उनके पास में विजिट किया गया, बट वो बिना लाइसेंस के तभी भी वो उन्होंने अपना जो व्यवसाय है वो धड़ल्ले से स्टार्ट चालू रखा। अभी तक फिलहाल कितनी कार्रवाई हो चुकी है सर? अभी करीब हमारी 100 से ऊपर जो है, जो टोटल अगर ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो हमारी एजेंसी जो है 200 से ऊपर FIR कर चुकी है, क्रिमिनल और सिविल भी करीब हमारे 70-80 मामले लंबित हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मुकेश माल है और मैं ये लास्ट में इनको कहना चाहता हूँ, इनके लिए मतलब डीजे संचालकों के हित में, कि एक जो कॉपीराइट का लाइसेंस लेके ही अपना जो है लीगल तरीके से यूज़ करें, अपना बिजनेस करें, अन्यथा बार बार ये कार्रवाइयाँ होती रहेंगी और आपको बेवजह जेल और कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि पुलिस थाना लालसोट ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ में बड़ी कार्रवाई की है। बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया। वहीं अवैध बजरी खनन में 2 मुलजिमों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। साथ ही साथ अवैध बजरी खनन के चलते हुए श्यामलाल कुर्रा विष्णु मंडावरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं लालसोट थाना अधिकारी राजवीर सिंह ने अवैध बजरी खनन करने वालों को चेतावनी भी दी है।
तो दूसरी ओर बजरी खनन के चलते ट्रैक्टर ट्रॉली एक से अधिक बार खनन करते पाया गया तो होगी ठोस कार्रवाई। अब आइए इनसे डालते हैं राजधानी जयपुर के मकराना की ओर। आप सभी को बता दूं कि मकराना के अंदर लगातार अवैध खनन देखने को मिल रहा है। आखिर ये किसके इच्छा से हो रहा है और इसके अंदर किसका हाथ है, आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। मकराना मार्बल क्षेत्र की खान संख्या 106/2 में इन दिनों खनिज विभाग की मिलीभगत से अवैध खननकर्ताओं द्वारा धड़ल्ले से अवैध खनन किया जा रहा है। ऐसा ही मामला मकराना की खान संख्या 106/2 लाइसेंसी मलबा हटाने के बाद सरकारी हिस्से में मौजूद बेशकीमती मार्बल को निकाल कर ले जा रहे हैं। अब तक उनके द्वारा करोड़ों रुपए का सरकारी मार्बल ले जा चुके हैं। अवैध खनन को लेकर के पूर्व में खनिज विभाग मकराना खनिज विभाग अजमेर उदयपुर से मुख्यमंत्री भू विज्ञान विभाग सचिवालय राजस्थान को अवैध खनन की जानकारी भी दे चुके हैं। उन्होंने खनिज अभियंता से मांग की है कि उक्त प्रकरण की जांच करवाकर अवैध खनन को रुकवाया जाए तथा दोषियों के खिलाफ में आवश्यक कार्रवाई भी की जाए, जिससे सरकार को होने वाली राजस्व हानि से भी निजात मिल सके। वहीं आज अवैध खनन को रोकने के लिए मकराना प्रशासन जागो के बैनर तले रैली का आयोजन भी किया गया। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं श्री श्याम जनसेवा परिवार की ओर से विशाल रक्तदान होगा कल। साथ ही साथ 23 जनवरी यानी कल श्री श्याम जनसेवा परिवार की ओर से अग्रवाल धर्मशाला बांदीकुई में होगा विशाल रक्तदान। रक्तदान शिविर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गजराज कटाना सुबह 11 बजे भी प्रज्वलित करेंगे। वहीं रक्तदान शिविर का शुभारंभ होगा जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका चेयरमैन इंदिरा बैरवा करेंगी और साथ ही में नगर पालिका के उपाध्यक्ष राजेश शर्मा व राजेंद्र चौधरी भी शामिल होंगे। वहीं रक्तदाताओं को प्रशस्ति प्रमाण पत्र व उपहार भी दिए जाएंगे। वहीं भारत जिले के वरिष्ठ पत्रकार का शाह का आज राजधानी जयपुर के अंदर स्वागत सम्मान किया गया। राजस्थान के जयपुर में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार के गवर्नमेंट हॉस्टल में आयोजित शपथ एवं पत्रकार सम्मान समारोह कार्यक्रम में बारा जिले के वरिष्ठ पत्रकार दिलीप शाह को भी शॉल स्मृति चिन्ह देकर के सम्मान से नवाजा गया है। कार्यक्रम में राज्य के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, जयपुर महापौर मनुश्री का आतिथ्य भी रहा है। इस अवसर पर राज्य के कई जिलों के पत्रकारों का सम्मान किया गया तो बारा जिले के वरिष्ठ पत्रकार एवं जिला प्रेस क्लब अध्यक्ष के नाते उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित होने पर बारा शहर समेत जिले के पत्रकारों ने उन्हें बधाई दी है। धौलपुर जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं कि धौलपुर में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश नाकामयाब हो चुकी है। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की साजिश नाकामयाब रही है। 26 जनवरी के बाद वारदात की फिराक में थे बदमाश। आप सभी को बता दूं कि साइबर सेल से जिला पुलिस को बड़ी जानकारी मिली है और वहीं पुलिस ने तत्परता से 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही साथ 1,00,000 के इनामी तस्कर केशव गुर्जर गैंग के सक्रिय सदस्य हैं चारों बदमाश। वहीं पुलिस अधीक्षक जुटे हैं आरोपियों से पूछताछ करने में। साथ ही साथ खंगाला जा रहा है आपराधिक रिकॉर्ड भी और प्रेस वार्ता करके पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने यह जानकारी दी। वहीं आप सभी को बता दूं कि बाड़मेर के अंदर प्रधान ने किया है महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण। बाड़मेर जिले की सीमावर्ती पंचायत समिति गडरा रोड के प्रधान सलमान खान ने पंचायत समिति गडरा रोड की ग्राम पंचायतों में चल रहे महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत कार्यों का निरीक्षण किया है। ग्राम पंचायत खारची के राजस्व गांव मौसेरी में नाड़ी खुदाई कार्य एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण कर श्रमिक से भुगतान के बारे में जानकारी मिली। खान ने बताया कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का पूर्ण तरीके से भुगतान भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मौके पर ही श्रमिकों द्वारा संतुष्ट जवाब दिया गया
और इसी के साथ ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी राम भारती, रोजगार सहायक जोगाराम सिंह, ग्रामीण गंगा सिंह सहित कई ग्रामीण एवं समाज सेवी मौके पर उपस्थित रहे। आइए नजर डालते हैं दोपहर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कौशल विकास, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता सहित विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित किया है। कलराज मिश्र गुरुवार को कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, आदिवासी, दिव्यांग तथा समाज के वंचित वर्गों को शिक्षित करके सशक्त बनाने में दुरुस्त शिक्षा को विशेष भूमिका निभानी चाहिए। साथ ही दीक्षांत समारोह में मानविकी, समाज विज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी, सतत शिक्षा, वाणिज्य एवं प्रबंध संकायों के PhD, स्नातकोत्तर, स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को उपाधियां वितरित की गई तथा सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मी उत्साह के साथ स्वयं आगे आकर के कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। टीकाकरण के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है और अब तक वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित रहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ा करके प्रथम चरण का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किए गए विस्तृत मूल्यांकन में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जो टीकाकरण के सभी मानकों पर बेहतर प्रदर्शन के कारण ग्रीन कैटेगरी में है। उन्होंने निर्देश भी दिए कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ा करके प्रथम चरण का टीकाकरण जल्द से जल्द पूरा किया जाए। गहलोत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टीकाकरण अभियान की समीक्षा के दौरान कहा कि रविवार से वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या 167 से बढ़ा करके 350 करने और आवश्यकता के अनुरूप इनकी संख्या और बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रथम चरण में कोविड का टीका लगने के छठे दिन गुरुवार की रात CMHO कार्यालय में कार्यरत सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा की मौत हो गई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में मौत का कारण उच्च रक्तचाप, ब्रेन हेमरेज तथा किडनी खराब होना बताया गया। CMHO डॉक्टर रामकेश गुजर ने यह भी बताया कि गुरुवार की रात 8 बजे सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा का ब्रेन हैमरेज से गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर में निधन हो गया है। उन्हें लंबे समय से उच्च रक्तचाप व किडनी की बीमारी थी और 3 साल से नडियाद उपचार चल रहा था। 20 जनवरी को शाम को 7 बजे खाना खाते समय उन्हें उल्टी हुई और फर्श पर गिर करके वह बेहोश हो गए। उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया जहां फिजिशियन डॉक्टर अनीश जैन ने गंभीर होने पर उदयपुर में रेफर किया। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया। उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा गया जिनका गुरुवार यानी कल निधन हो चुका है। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 265 नए मामले सामने आए हैं जिससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 316,081 हो गई। वहीं राज्य में संक्रमण से 2 और लोगों की मौत होने से राज्य में मृतक की संख्या बढ़कर के 2756 हो चुकी है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक बुलेटिन में दी गई है। अधिकारियों ने यह भी बताया कि गुरुवार की शाम 6 बजे तक के बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 2 और लोगों की मौत हुई है।
वहीं अधिकारियों ने बताया कि इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर के 2756 हुई, तो राज्य में अब तक जयपुर में 513, जोधपुर में 301, अजमेर में 221, कोटा के अंदर 169, बीकानेर में 167, भरतपुर में 120, उदयपुर में 113, पाली में 109 और सीकर के अंदर 100 संक्रमितों की मौत अभी तक हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि इसी दौरान राज्य में 406 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिससे राज्य में अब तक ठीक हुए व्यक्तियों की संख्या बढ़ करके 309,391 तक पहुंच चुकी है। साथ ही संक्रमण के 265 नए मामले सामने आने से राज्य में इस घातक वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 316,081 हो गई, जिनमें से 3,934 रोगी उपचाराधीन अभी भी हैं। चौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, लालसोट की ग्राम पंचायत झापता के जोरावर बाबा के पोज बड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया है। वहीं पूर्व वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र मीणा ने अपनी धर्म पत्नी नमो नमो मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष मूर्ति मीणा के साथ शिरकत की और पोज बड़ा महोत्सव प्रसादी में जनता का जनसैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आया है। साथ ही साथ पंगत प्रसादी भी हुई है। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रीतम सिंह ने आगंतुकों का माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। बारह जिले से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, बारह हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज तक सीसी रोड का शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री जूली व खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया मौजूद रहे। वहीं अंतर चुनाव के दौरान भाजपा के एक नेता द्वारा मंत्री भाया को फोन करके का मामला सामने आया है। कार्यक्रम में मंत्री भाया ने बोला कि मैं जिस ऐसे नेताओं का नाम मंच से बोलना शुरू करूँगा, बारह में भाजपा खत्म हो जाएगी। वहीं भाजपा नेता प्रेम गालव के लिए भाया ने बोला कि जिनको बारह की जनता राजनीति से संन्यास दे चुकी है, वे अब क्या संन्यास की बात कर रहे हैं। भाया ने कहा कि प्रताप चौक पर मंच लगाकर भाजपा वालों को बहस करने की चुनौती देता रहा हूँ, क्यों क्या वह स्वीकार नहीं कर रहे भाजपा के नेता। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण है। आज 1.5 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि महीने के अंत तक अलग अलग दिनों का मिलाकर के कुल 4,45,000 टीके लगा दिए जाए। भारत के फील्डिंग कोच आर श्रीधर ने मजबूत ऑस्ट्रेलिया पर सीरीज के टेस्ट में मिली 2-1 से शानदार जीत के बाद में टीम की परिस्थितियों को बयां करते हुए कहा कि ऋषभ पंत और वॉशिंगटन सुंदर की वजह से वह 1 घंटे में 10 साल बूढ़े हो गए। श्रीधर लंबे समय से भारतीय टीम का अहम हिस्सा भी रहे हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में टीम किस दौर से गुजरी उसे बताना मुश्किल होगा। भारतीय सेना की ताकत बढ़ने के साथ दुश्मनों की अब खैर नहीं है। भारत ने स्वदेशी हॉक आई विमान से गुरुवार को स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफल परीक्षण किया है। दक्षा पीएसयू हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ओडिशा के तट से हॉक आई विमान से एक स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। राजस्थान के नए विधानसभा भवन का डरावना मिथक पिछले 20 साल से कायम है। वो मिथक यह है कि नए विधानसभा भवन के एक कार्यकाल में 200 विधायक एक साथ कभी भी नहीं बैठ पाए। साल 2000 में नए विधानसभा भवन का निर्माण शमशान भूमि पर हुआ था और 2001 में इसमें विधायक इसमें शिफ्ट कर दिए गए थे। तभी से यह मिथक इसके साथ जुड़ गया और आज भी कायम है। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने भी तो
विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और सदन को गंगाजल से धोने की मांग भी कर डाली थी। समय समय पर इस भवन में पूजा हवन करवाने की मांग भी उठती रही है। राजस्थान की किस्मत अब बदलने वाली है। राजस्थान में पोटाश के व्यवहारिक अध्ययन को लेकर के ऐतिहासिक त्रिपक्षीय करार किया गया है। अगर राजस्थान इसमें कामयाब रहा तो दुनिया पोटाश को लेकर के भारत की एक अनोखी पहल देखने को मिलेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में कल यह करार किया गया है। इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अर्जुन राम मेघवाल भी वीसी के जरिए जुड़े हुए हैं।